तब यीशु के सामने एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो प्रेतात्मा से पीड़ित था। वो अंधा तथा गूंगा था। यीशु ने उसे स्वस्थ कर दिया। परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति बातें करने और देखने लगा। सभी भीड़ चकित रह गई। मौजूद लोग आपस में विचार कर रहे थे, कहीं यही दाविद का वो वंशज तो नहीं? किंतु ये सुनकर फरीसियों ने इसके विषय में अपना मत दिया। ये व्यक्ति केवल प्रेतों के प्रधान शैतान की सहायता से प्रेतों को निकाला करता है। उनके विचारों के विषय में मालूम होने पर यीशु ने उनसे कहा, कोई भी ऐसा राज्य जिसमें फूट पड़ी हो मिट जाता है। कोई भी नगर या परिवार फूट की स्थिति में स्थिर नहीं रह पाता। यदि शैतान ही शैतान को बाहर निकाला करे तो वो अपना ही विरोधी हो जाएगा। तब भला उसका शासन स्थिर कैसे रह सकेगा? यदि मैं प्रेतों को शैतान के सहयोग से बाहर निकाला करता हूँ तो फिर तुम्हारी संतान उनको कैसे बाहर करती है? परिणाम स्वरूप वे ही तुम पर आरोप लगाएंगे। परंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बाहर कर रहा हूँ तो ये साबित हो गया है कि तुम्हारे बीच परमेश्वर का राज्य आ चुका है। भला ये कैसे संभव है कि कोई किसी बलवान व्यक्ति के घर में प्रवेश कर उसकी संपत्ति लूट ले? हाँ, यदि बलवान व्यक्ति को पहले बांध दिया जाए तब उसकी संपत्ति को लूट लेना संभव है। वो जो मेरे पक्ष में नहीं मेरे विरुद्ध है, और वो जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। इसलिए तुमसे मेरा कहना यही है, लोगों द्वारा किया गया कोई भी पाप, कोई भी परमेश्वर निंदा क्षमा के योग्य है, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु यदि कोई पवित्र आत्मा की निंदा में कुछ कहता है तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, ना तो इस युग में और ना ही आने वाले युग में। यदि पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा, और यदि पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी अच्छा नहीं होगा। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अरे तुम जो विषैले सांप की संतान हो, भला तुम्हारे बुरे होने पर तुम्हारे मुख से अच्छी बातें कैसे निकल सकती हैं? क्योंकि मुख से वही मुखरित होता है जो हृदय में भरा होता है। भला व्यक्ति स्वयं में भरे हुए उत्तम भंडार में से उत्तम ही निकालता है, तथा बुरा व्यक्ति स्वयं में भरे हुए बुरे भंडार में से बुरा। तुम पर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निराधार शब्दों का हिसाब देगा, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने यीशु से विनती की, गुरुवर हम आपसे कोई अद्भुत चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ये दुष्ट तथा परमेश्वर के प्रति निष्ठाहीन पीढ़ी अद्भुत चिन्ह की लालसा करती है, फिर भी इसे भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ठीक जैसे भविष्यद्वक्ता योना 3 दिन और 3 रात विशालकाय जल जंतु के पेट में रहे, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात भूमि के भीतर रहेगा। न्याय दिवस पर नीनवे नगर की जनता इस पीढ़ी के साथ उपस्थित होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि उसने तो भविष्यद्वक्ता योना के प्रचार के परिणाम स्वरूप पश्चाताप कर लिया, किंतु यहाँ तो वे हैं जो भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर हैं। न्याय दिवस पर दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के छोर से यात्रा कर राजा शलोमोन के ज्ञान को सुनने आई थी, किंतु यहाँ तो वो हैं जो राजा शलोमोन से भी बढ़कर हैं। जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से बाहर आ जाती है, वो निवास स्थान की खोज में सूखे स्थानों में फिरती है, किंतु उसे निवास स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। तब वो सोचती है कि मैं जिस निवास स्थान को छोड़कर आई थी वहीं लौट जाऊं। वो वहां लौटकर उसे खाली, साफ और सुथरा पाती है। तब वो जाकर अपने से अधिक बुरे 7 आत्मा और ले आती है, और वे सब उस व्यक्ति में प्रवेश कर उसमें अपनी घर बना लेती हैं। तब उस व्यक्ति की स्थिति पहले से खराब हो जाती है। यही स्थिति होगी इस दुष्ट पीढ़ी की भी। जब यीशु भीड़ से बातें कर रहे थे, उनकी माता तथा उनके भाई उनसे भेंट करने की प्रतीक्षा में बाहर ठहरे हुए थे। किसी ने उन्हें सूचित किया, आपकी माता तथा भाई बाहर आपसे भेंट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यीशु को यह सूचना दी थी उससे यीशु ने पूछा, वास्तव में कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? तब अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए यीशु ने कहा, ये है मेरे भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन तथा मेरी माता।
ये घटना उस दिन की है जब यीशु घर से बाहर झील के किनारे पर बैठे हुए थे। एक बड़ी भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई, इसलिए वो एक नाव में जा बैठे और भीड़ झील के तट पर रह गई। उन्होंने भीड़ से दृष्टांतों में अनेक विषयों पर चर्चा की। यीशु ने कहा, एक किसान बीज बोने के लिए निकला। बीज बोने में कुछ बीज तो मार्ग के किनारे गिरे, जिन्हें पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ अन्य बीज पथरीली भूमि पर भी जा गिरे, जहां पर्याप्त मिट्टी नहीं थी। पर्याप्त मिट्टी न होने के कारण वे जल्दी ही अंकुरित भी हो गए, किंतु जब सूर्य उदय हुआ वे झुलस गए, और इसलिए कि उन्होंने जड़ें ही नहीं पकड़ी थी वे मुरझा गए। कुछ अन्य बीज कंटीली झाड़ियों में जा गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। यह उपज 100 गुनी, 60 गुनी, 30 गुनी थी। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। यीशु के शिष्यों ने उनके पास आकर उनसे प्रश्न किया, गुरुवर, आप लोगों को दृष्टांतों में ही शिक्षा क्यों देते हैं? उसके उत्तर में यीशु ने कहा, स्वर्ग राज्य के रहस्य जानने की क्षमता तुम्हें तो प्रदान की गई है, उन्हें नहीं। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और अधिक प्रदान किया जाएगा और वो संपन्न हो जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यही कारण है कि मैं लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी कुछ नहीं देखते तथा सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनते, और ना उन्हें इसका अर्थ ही समझ आता है। उनकी इसी स्थिति के विषय में भविष्यद्वक्ता यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है, तुम सुनते तो रहोगे किंतु समझोगे नहीं, तुम देखते तो रहोगे किंतु तुम्हें कोई ज्ञान न होगा। क्योंकि इन लोगों का मन मस्तिष्क मंद पड़ चुका है, वे अपने कानों से ऊंचा ही सुना करते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं कि कहीं वे अपनी आंखों से देखने ना लगे, कानों से सुनने ना लगे तथा अपने हृदय से समझने ना लगे और मेरी ओर फिर जाएं कि मैं उन्हें स्वस्थ कर दूं। धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं और तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूँ, अनेक भविष्यद्वक्ता और धर्मी व्यक्ति वो देखने की कामना करते रहे जो तुम देख रहे हो, किंतु वे देख ना सके, तथा वे वो सुनने की कामना करते रहे जो तुम सुन रहे हो किंतु सुन ना सके। अब तुम किसान का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य के विषय में सुनता है किंतु उसे समझा नहीं करता, शैतान आता है और वो जो उसके हृदय में रोपा गया है झपट कर ले जाता है। ये वो है जो मार्ग के किनारे गिर गया था। पथरीली भूमि वो व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है तथा तुरंत ही उसे खुशी से अपना लेता है, किंतु इसलिए कि उसकी जड़ है ही नहीं, वो थोड़े दिन के लिए ही उसमें टिक पाता है। जब संदेश के कारण यातनाएं और सताहट प्रारंभ होते हैं, उसका पतन हो जाता है। वो भूमि जहाँ बीज कंटीली झाड़ियों के बीच गिरा, वो व्यक्ति है जो संदेश को सुनता तो है किंतु संसार की चिंताएं तथा संपन्नता का छलावा संदेश को दबा देते हैं और वो बिना फल के रह जाता है। वो उत्तम भूमि जिस पर बीज रोपा गया, वो व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है, उसे समझता है तथा वास्तव में फल लाता है। ये उपज 100 गुनी, 60 गुनी, 30 गुनी होती है।